वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो जैसे कि कल वाले ब्लॉग में हमने बताया था कि दिन का ब्लॉग उस वाले में है, दिन की बात का ब्लॉग नए ब्लॉग में आएगा। तो कैसे हैं आप सभी? और फिर मैं किचन में खड़ी हूँ। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो, मैंने एंड भी किचन में ही किया है थोड़ा थोड़ा। तो कल मॉर्निंग हमने खाया था आलू का पराठा, तो पापा के लिए भी वही बन रहा है आलू का पराठा। मम्मी देखो, आज एकादशी है तो इसलिए चावल नहीं बनता है हमारे वहाँ, तो पराठे बन रहे हैं। हम तो खा चुके हैं ऑलरेडी फुल है सुबह के, तो ये पापा क्या कर रहा है आलू का। तो पापा को लंच देके आते हैं आज। पापा का लंच आलू का पराठा है। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, किचन में खड़े होने लाइक नहीं हो रहा, तो देके आते हैं। तो पापा का लंच लेके जाते हैं, पापा के लिए आलू के पराठे और सब्जी भी है। सो लंच टाइम पापा खा रहे हैं पराठे और सब्जी। पापा कैसे हो रहे पराठे? यम्मी यम्मी। पापा को तो पराठे यम्मी लगे। मम्मी क्या खा रही है? अरविंद का व्रत है, क्या खा रहे हो? छेना खीर। देख लो भाई, आंचल दीदी की छेना खीर खा रही हूँ मैं। आज आई है मेरे लिए ये आंचल छेना खीर, और ये है 80 ग्राम है शायद ये, और इसकी कीमत है 25 रुपीस। आप लोग भी खाइए, फास्ट में खा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज डाली नहीं होती है। पनीर और शायद मावा होता है, उसी से बना होता है। इससे मंगा रही थी मैं पूरे सावन के मंडे के फास्ट चले गए, आज आई है चुप। उसमें भी मैंने कॉल किया तब जाके आई थी ना, कि जब ये आप लोगों को खानी होगी आप इनसे मंगाना, ये मैं नहीं खिला सकती आपको। और ये बहुत टेस्टी होती है, एक मैंने इंतजार के बाद मिली है छेना। ये बहुत टेस्टी होती है, पता नहीं है, ये बहुत टेस्टी होती है क्योंकि ये पनीर से बनी होती है, इसको खीर कहते हैं, पर ये व्रत में खा सकते हैं। तो हम लंच करते हैं, सब अपना अपना लंच कर रहे हैं। मैं लाई हूँ अपने लिए दही चीनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लंच करते हैं, अभी आपको मिलेंगे ट्यूशन वालों के बाद, क्योंकि उस टाइम तो फोन भी नहीं पकड़ सकते, ब्लॉग बना तो बहुत दूर की बात है। तो 6 बजे मिलते हैं, ठीक है, बाय। खाने देते हैं सबको। कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है, चलो बाय। अच्छी हो रही है। सो ये है हमारी प्रियांशी। हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। हम आज प्रियांशी के घर जा रहे हैं, उसकी घर कुछ हाय। ये देखिए ब्लू कलर की राखी, इसमें मैंने मोती और स्टोन लगाए हैं। ये देखिए रेड कलर की राखी, और ये सब ऊन की राखियां हैं, ऊन और मोती द्वारा बनाई हुई राखियां हैं। ये भी ऊन और मोती की राखियां हैं, और ये है रेशमी धागे की राखी। दो रेशमी धागे मिलाए हैं इसमें, रानी कलर का और येलो कलर का, और ये भी ऊन का सर था, ऊन और रेशमी का ही हुए। और ये भी रेशमी, छोटे बच्चों को ये राखियां बहुत पसंद है ना, इसलिए रेशमी धागे में खूब नग लगा के बना रखी है मैंने। और ये फूने वाली राखियां पहले से भगवान जी को यही चढ़ती थी, इसलिए मैंने अपने भगवान जी के लिए यही बनाई है। ये देखिए, ये फोटो में पता नहीं कैसा लग रही है, लेकिन ये बहुत सुंदर राखी बनी है। ये देखिए रेशमी धागे की राखी, और है मेरे पास येलो कलर की रेशमी धागे की राखी भी है, रानी कलर का भी है, और ये है राखी फैदर, पहले से फैदर का ऊन होता था ना उसकी। और ये देखिए पर्पल कलर की, ऑरेंज कलर की, रानी कलर की, ग्रीन कलर की, और ये देखिए क्रोशिया से बनाई हुई राखियां हैं ग्रीन कलर की, और ये सब उनकी है, ये फैदर की उनकी है। और एक छोटी सी राखी बनाई है मैंने, ये देखिए ये क्रोशिया से बनाई है, और इसमें मैंने येलो कलर का रिबन लगाया। ये देखिए ये अंकिता ने बनाई है येलो कलर की राखी, मोती वाली, इतनी मैं वाली राखी नहीं बनती मुझसे। बच्चों को अच्छी लगती है ना ये राखियां, तो इसलिए बच्चों के लिए रेशमी वाली बड़ी बड़ी राखियां बनाई है। ये देखिए ये देखिए कैसी लगी आपको हमारी राखियां, जरूर बताइएगा कमेंट करके। 7 बज गए हैं, अब हो गया डिनर टाइम। तो डिनर में आज बनेंगे आलू, क्योंकि मम्मी का है फास्ट, तो वो लोग वो आलू खाते हैं, और आलू में सैदा नमक डाल के खाते हैं। तो काटते हैं आलू, डिनर का करते हैं, आलू काटते हैं। अरे ना फेवरेट, अब ना ऐसा लगता है ना, पहले ना आलू, अरे यार आलू खा रहा है आलू खाना है, अब ऐसा हो जाता है ना, बहुत दिन तक आलू नहीं खाया होता है ना, ऐसा लगता है हाँ यार कुछ नहीं खाया है, कुछ हाँ नहीं खाया है ऐसा लगता है। तो चलो आलू काटते हैं, सुबह आलू के पराठे। दिन में तो नहीं खाया क्योंकि वो हो गया, हैवी हो गया था, अभी आलू के गुटखे खाते हैं। चलो मिलते हैं, अभी आलू काटती हूँ। सो हमारे आलू बन चुके हैं, काट के बन गए हैं, और पापा बना रहे हैं रायता। तो ये है, क्या है मम्मी बताएगी?
ये है हमने रायता बनाया था अभी, तो उसमें से जो खीरे का रायता बनाया था उसमें से जो बचा उसका ये पानी है, हमने छान दिया और तो हमने रायते में डाल दिया और ये बच गया है खीरे का पानी। और ये अंकिता के लिए छान के रखा है मैंने, इसको पीना चाहिए, इससे एक तो हड्डियां मजबूत रहती हैं, मांसपेशियां जो होती है मजबूत रहती हैं और इनकी जल्दी ज्यादा कमजोर हो जाती है ना, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जिसको छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं ना उनके लिए भी बहुत मेरे बहुत जल्दी निकलते हैं, और पेट की बीमारियों से बहुत बचाता है, पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं, वैसे तो मैं खाली बता रही हूँ लेकिन ये लोग आप लोग सब जानते हैं कि खीरा कितना फायदे है, खीरा कितना फायदे करता है, बहुत ज्यादा इसमें कैलोरी कम होती है, वेट भी कम होता है, सुना है मैंने, यूज तो कभी नहीं किया वो वाटर पानी का फाइबर ज्यादा होता है ना इसमें तो, और बच जाता है ये तो, सबका नंबर आता है, एक दिन एक जना पीता है, एक दिन एक जना बचे, आज अंकिता का नंबर है तो मैंने इसको दे दिया, मैंने तो पिया नहीं लेकिन और दिनों मैं पी लेती थी लेकिन मेरा फास्ट है ना तो आज एकादशी का व्रत, अगर मैं यही पी लूंगी तो फिर मेरा पेट भर जाएगा, फिर मैं क्या खाऊंगी। और मैंने आज आलू बनाए सैदा नमक वाले और रायता बनाया है। चलो तो अब हम इसको पीते हैं, उसके बाद डिनर भी लग गया है, डिनर करते हैं, आपको मिलेंगे कल मॉर्निंग में, से बाय एनर्जी, बाय 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 बाय। तो हम लोग डिनर, मतलब एनर्जी मम्मी में ही रहती है ना, बेटियों में तो कभी होती नहीं है, मम्मी को बिल्कुल तत्काल रेडी रहना पड़ता है, मम्मी ब्लॉग बनाओ, मम्मी सूट करो, सब मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी को बुढ़ापा आ गया बेटा, मम्मी की उम्र नहीं रह गई है। कमेंट करके बताओ क्या मम्मी बूढ़ी लग रही है आपको, मम्मी बूढ़ी लगे ना लगे मम्मी तो बूढ़ी हो गई है ना, और मम्मी तो मम्मी हुई, कमेंट करके बताओ भाई मम्मी बूढ़ी लग रही है या बेटी बूढ़ी लग रही है। मैं कसम से बता रही हूँ ना, अगर ये मैं और नानी खड़ी हो जाए ना तो सबसे बूढ़ी मैं लगूंगी। देखो हीरो हीरोइन भी बूढ़े नहीं लगते, इसका मतलब ये थोड़ा है कि बूढ़े नहीं हुए। हाँ सही बात, पर मैं सही बता रही हूँ, ये मैं और नानी खड़ी हो जाए ना सबसे, हम तीनों में सबसे यंग नानी लगेगी, फिर ये फिर मैं, पता नहीं क्या खाते थे ये लोग अभी भी इतने यंग है। हम लोग मोमो नहीं खाते थे, चाउमीन नहीं खाते थे, टिक्की नहीं खाते थे, मैं नहीं खाए मोमो, रोटी खाते थे, सब्जी खाते थे, और नाना जी का स्वीट की दुकान थी, मिठाई खाते थे बहुत ज्यादा, जलेबी खाते थे और छोले समोसा खाते थे, और नाना जी की ये रेस्टोरेंट जैसे था उसमें छोले और अंडे मिलते थे वो खाते थे, छोले और अंडे खाते थे, और मैंने अभी ट्राई नहीं किए छोले अंडे, अंडे छोले और अंडे खाते थे, समोसे खाते थे और जलेबी खाते थे, पापा से रेस्टोरेंट, हम लोग ना बहुत चीज खाते थे, अरे हम भी खाते हैं, मैं तो चाहती थी कि हमारी एक दुकान हो और हम लोग दुकान चलाए, लेकिन एक रेस्टोरेंट मम्मी नौकरी वाले, अगला ना फैमिली ब्लॉगर का एक रेस्टोरेंट, हमारा फैमिली ब्लॉगर सक्सेसफुल होगा, रेस्टोरेंट खोलेंगे, अब तो किसको पास ताकत है खोलने, तो मेरा ये खत्म हो गया, अच्छा हो रहा था, ये दिखा के पी रही है, वैसे नहीं पीती है, फेंक देती वहां जाके, ये ब्लॉग में दिखाने के लिए पी रही है, नहीं मैं पी लेती, कब पिया, पी लेती हूँ, पेट साफ हो जाता है इससे, बोल नहीं बोल रही हूँ मैं, देखो मैंने आपके सामने अभी अच्छे से पिया, आपको दिखाने के लिए पिया इसने, आज से कितनी बार पिया आज से पहले, दो तीन, मेरे नंबर ही नहीं आते, मैं बोलती रही मैं नीचे आती नहीं हूँ, जो नीचे रहता है, अब ये गिलास लेगा इनके पास थोड़ा जाएंगे हम, हमारे पास भी तो बहुत सारे काम है। हाँ तो फिर ऊपर कोई वेट कर रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, तो और बताइए आज आपका दिन कैसा रहा, मेरा तो अच्छा ही रहा, क्या किया मैंने, अरे राखी बनाई, राखी मम्मी ने, मैंने क्या किया कुछ भी नहीं, हाँ काम किया सुबह, मैंने सिर्फ मोबाइल को देखकर करा, और मैं आती हूँ काम करने लग जाते हैं, मैं जाती हूँ पता नहीं क्या करते हैं, आप इतना काम आया ना, मैं आप मेरे साथ वाले समझ सकते हैं हमें कितना काम है, तो स्टे ट्यून्ड ऐसी बने रहिए आगे, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, क्योंकि रात को आप बिल्कुल छुट्टी करेंगे, बिल्कुल नहीं, काम करना है, बहुत सारे नोट्स है, पेंडिंग नोट्स कितने सारे हो गए हैं, तो उसको कम्प्लीट करते हैं, आपको मिलेंगे कल सुबह, बाय बाय, और आई होप आपको पिछला वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और ये वाला ब्लॉग बताइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल मॉर्निंग से दूसरा बनाएंगे, ठीक है बाय, ठीक है इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल मॉर्निंग से आपको दूसरा ब्लॉग दिखाएंगे, तो 8 बज गए हम नाश्ता डिनर करते हैं, उसके बाद हम आपको कल वाले ब्लॉग में मिलेंगे, ऐसे ही बने रहिए, ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अब मेरे को खाना लगाना है तो मैं जा रही हूँ, ओके बाय,
ऐसी जो जो नया जुड़ रहा है फैमिली में हमारे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जो नए हैं प्लीज उनको बोल रही हूँ, जो पुराने हैं वो भी, जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना क्योंकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलो बाय, अब मैं खाना लगाती हूँ। ओके, कल वाले ब्लॉग मिलेंगे, बाय।